नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर कई जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है, जिसके तहत ही इस बार ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब पंचायत चुनाव के समय ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही चुनाव के दौरान किसी तरीके की अनियमितता ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, जिसके तहत ही अब स्ट्रांग रूम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक खास नियम को लागू किया है, जिसके तहत व्रज गृह यानी कि स्ट्रांग रूम में अब सामान्य तालों के बजाय इस बार इलेक्ट्रॉनिक तालों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक ताले के लिए एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इनके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल होगा। मोबाइल के सहारे ही ताले खोले जाएंगे और बंद होंगे। सबसे खास बात यह है कि बिहार में इस तरह की व्यवस्था पहली बार हो रही है। इस तरह की तकनीक आज से पहले किसी भी चुनाव में नहीं जारी की गई थी, जिसके तहत ही अब पंचायत चुनाव को लेकर जितनी भी जगहों पर ईवीएम और मतपेटियों की व्यवस्था की गई है, वहां वहां स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे। इन्हीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक ताले भी लगाए जाएंगे। गौर करने की बात यह है कि इससे पहले लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम में सामान्य ताला ही लगाया जाता था। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तालों को सील कर दिया जाता था तथा व्रजगृह में कोई प्रवेश ना करे, इसके लिए वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कर दी जाती थी। इसके साथ ही इस बार का पंचायत चुनाव एक और मुद्दे को लेकर खास होने वाला है, क्योंकि इस बार वाईफाई के साथ साथ सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां तो पूरी कर ली है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान 24 सितंबर को होना है। पहले चरण में 5 जिलों के 112 बूथ ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। आयोग ने ऐसे सभी बूथों पर सैटेलाइट फोन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में 8 जिलों के 151 बूथों पर सैटेलाइट फोन की व्यवस्था होगी। इन बूथों की पहचान कम्युनिकेशन शैडो जोन के रूप में की गई है। इसका मतलब यह है कि इन बूथों पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इन सभी बूथों पर सैटेलाइट फोन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पहले चरण का मतदान होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम भी कर दिए हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार पंचायत चुनाव में हाईटेक व्यवस्था किए जाने के बाद क्या निष्पक्ष चुनाव कराने में राज्य निर्वाचन आयोग सफल हो पाएगी या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।